है डाला उर्दू रैप मैप पे, असली आया बूम बैप पे, तुम कैप पे राइट करूं सीन पड़े रैप पे। वेलकम टू द रिएक्शन वीडियो गाइस, मैं हूं असली बीआर पाकिस्तानी रैपर। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं थोरट धीमा धीमा प्रोड टोनी जेम्स बंटाई रिकॉर्ड्स ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। बंटाई रिकॉर्ड्स बैक टू बैक अपने आर्टिस्ट के गाने फेंक रहा है, वीडियो के साथ फेंक रहा है और क्वालिटी वर्क फेंक रहा है। ऐसे नहीं है कि आप कहोगे भाई बंटाई रिकॉर्ड्स पे अगर कोई गाना आया तो बस वो लो फाई मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा गाना होगा। भाई बहुत हार्ड कोर काम। अभी कर्मा और यंग गालिब की बीफ हुई, जो कि बंटाई रिकॉर्ड्स पे ही यंग गालिब के गाने आए थे बीफ के, और उसके बाद एक दो तीन आर्टिस्ट थे वो किसी और लाइक उनकी जो लैंग्वेज थी वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुई, सो उनका गाना आया। उसके बाद अभी एक लेटेस्ट सॉन्ग आया था कि फ्लोबो करके ना लड़का आर्टिस्ट था जो, वो बहुत प्यारा लगा गाना मुझे। खैर अभी आया थोरट का धीमा धीमा, तो लेट्स सी देखते हैं कैसा गाना है। थोरट जो है एमी वे बंटाई के फेमस होने के फौरन बाद थोरट को साइन इन कर लिया था एमी वे बंटाई ने, तो शुरू करते हैं देखते हैं कैसा रहता है गाना। बाकी मेरा म्यूजिक सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जरूर सुन सकते हैं और फीडबैक जरूर देना है, आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। खैर शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेट्स गो। बंटाई रिकॉर्ड्स स्टार्ट से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि लाइक थोड़ी स्टोरी टेलिंग टाइप होगी इस गाने में, क्योंकि मोस्टली थोरट के भी गाने जो है ना थोड़े हार्ड कोर टाइप ही डाल रहा है थोरट भी, तो लेट्स सी। ओके ओके लव सॉन्ग ब्रो, लव सॉन्ग। मेरे में स्लो हुआ है कुछ तो, इस काले में ग्रो हुआ है कुछ तो, जाके बता दो उसको कर रहा हूँ वेट में तेरा मतलब ही नहीं, अकेला बढ़ता नहीं पेट में मेरा, सड़क से निकल के तेरे गली में खड़ा। ऐसे लग रहा है लाइक जैसे बहुत स्माइल करके ना एक मतलब बड़े हैप्पी टोन के साथ जाके ना वो गाना बनाया, लाइक मुझे ऐसे लग रहा है एक होता ना लाइक स्माइल के साथ एक लाफिंग इमोजी के साथ आप वो प्रॉपर उस गाने को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो फील आ रही है। ओके ओके फिर ओके ठीक है, बहुत अच्छा वाइबी वाइब जा रही है, बट लिरिक्स बहुत मुझे लाइक बेसिक लग रहे हैं। ठीक है बस मतलब लिरिक्स थोड़े इस तरह के लग रहे हैं। अच्छा लगा हुक, बहुत प्यारा लगा, धीमा 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 लाइक ने एक वाइबी सा हुक बना दिया, अच्छा लगा। बट मुझे लगता है कि थोरट मुझे अभी तक ये लगा है कि थोरट के जो मतलब हार्डकोर गाने ना वो ज्यादा मतलब पंची और कैची हैं आप लाइक कह लें। ये गाना अच्छा है लाइक एक वाइब में जाके बनाया गया, लाइक शायद थोरट ने कहा होगा कि थोड़ा सा जोन चेंज करते हैं, लाइक उस जोन में जाके बनाया हुआ गाना लग रहा है कुछ मतलब, लाइक आप कहते हैं ना लाइक यंग गालिब का मैंने एक एमवे के साथ गाना सुना था जो प्रॉपर एक वाइब थी उस गाने में, और फ्लोपो जो लेटेस्ट सॉन्ग आया था अभी इस गाने से पहले वो गाना भी मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि उस गाने में ना इतनी वाइब थी। इस गाने में वाइब क्रिएट करने की मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश की गई है, मुझे ये लग रहा है पर्सनली। खुदा भी मेरे से बोरो के बोल के गया, तुम सारे आसिक सालों कभी नहीं सुधरोगे। रब से भी हो गई अनबन, चल मेरे साथ ज्यादा तू मत बन, शौकी है शौकीन तो ले चलो सनबन, चल इस दुनिया से दूर, सुन सुन के थक गया हूँ नेबर्स की बन बन कर दी बड़ी हेटर्स की हो गई ये अड़चन। धीमा 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 होने लगा मैं, धीमा 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 होने लगा। धीमा 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 धीमा
है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक हुक में प्रॉपर वाइब है, स्टोरी बनाने की ट्राई की गई है, लाइक कोई ऐसा नहीं आएगा यार मैं थोरट के बारे में मतलब वैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोरट के जो हार्डकोर गाने ना उसमें थोरट बहुत वैशी है ब्रो, उसमें फाड़ देने वाला आर्टिस्ट है थोरट, बट मुझे लाइक इसमें वाइब नहीं आई मुझे, लाइक लिरिक्स भी मुझे मतलब ठीक है बस, मतलब आप कह सकते हैं कि इट्स अ गुड सॉन्ग, बट ऐसा नहीं है कि आप कहते नहीं यार बेकार ना, इट्स अ गुड सॉन्ग। आर्टिस्ट हमेशा एक्सपीरियंस के साथ ही बनता है, एक्सपीरियंस करता जाता है, जो उसको लाइक कोई ऐसी चीज़ बन जाती है, लाइक जैसे हम ये बनते ने मचाएंगे बनाया था, वो इतना वायरल गया कि मचाएंगे 2-3 भी आ गया ब्रो, तो क्या सुधर के किसका भला बिगड़ के सिक्का चला, एक दे दूं मैं तुझे सलाह, जब तू मेरे साथ तो टल जाती सारी ये बला, दिखा तेरा गला, डालूं मैं चैन सोने की, चिंता मुझे तुझे खोने की, काफी टाइम बाद मन को मिला है सुकून, अब जरूरत नहीं मुझे रोने की, ये खूबसूरत लाइन, खोने की काफी टाइम बाद मन को मिला है सुकून, अब जरूरत नहीं मुझे रोने की, जब चलती है होके तू धीमा धीमा, दिल मेरा कर देती कीमा कीमा, ये जमा जमा, पता चला रहती है तू बाजू बाजू, मेरे पास आ सकती है धीमा धीमा, छोड़ दुनिया दारी तू आ जा यहां, तू बन मेरी रानी मेरा राजा यहां, ओके पास मेरे बेड ये मेरा जहां, ए धीमा 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 होने लगा मुझे ऐसा लगा कि गाने का हुक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा हुक है। आई थिंक थोड़ी सी कंपोजिशन में थोड़ा सा अगर चेंज लाते रहते बीच में तो गाना काफी ज्यादा कैची हो सकता था, बीट भी शायद वो मैच नहीं शायद कर पा रही, बीट बहुत प्यारी बनी है, बट आई थिंक कंपोजिशन थोड़ी सी अगर चेंज कर लेते, थोड़ी सी वेरिएशंस होती तो ज़्यादा मज़ा आता, बट गाना अच्छा है, गुड सॉन्ग है, मज़ा आया, हुक का मज़ा आया, और कुछ लाइनें बीच में थी जो वाकई मतलब अच्छी लगी थी, सूट करने वाली थी, मतलब एक फील थी लाइन्स में, बट एक इट्स अ गुड सॉन्ग, सो यह अच्छा लगा। खैर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर और रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो बताएं मुझे कमेंट्स में कि किस किस हिंदी इंडियन सॉन्ग्स पे हम रिएक्ट करें, तो हम ज़रूर करेंगे। खैर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, करते हैं ख़त्म रिएक्शन वीडियो को, मिलते हैं पीस वाला। हैं दो चार खास दोस्त, दो चार खास दोस्त, सारे खतरनाक दोस्त, सारे खतरनाक दोस्त, खाते सिर्फ मास्कोश, खाते सिर्फ मास्कोश, तू जाके छोटे नाक पोछ, जाके